देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश कि जहां हम सीनिक ब्यूटी के हवाले से प्रमोशन करते हैं चीज़ों की, वहीं पे हमारे जो यहां पे श्राइनर्स हैं, जो ज़ियारत शरीफ हमारे हैं, वहां भी बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं और पूरे मुल्क में और पूरे दुनिया में हमारी जो श्राइनर्स की जो आस्था है या जो वहाँ अकीदा है लोगों का बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से भी जो हमारे टूरिस्ट्स आते हैं वहाँ इन जगहों पे अच्छी सहूलियात ज़ायरीन को मिले, जो यहाँ पे टूरिस्ट आए उनको अच्छी चीज़ें देखने को मिले, ये टूरिज़म डिपार्टमेंट की जो है कोशिश है। इंतजामिया कमेटी के साथ डिस्कस करने के लिए कि क्या और काम हो सकते हैं जिससे ये ज़ियारत शरीफ और भी खूबसूरत हो, जाज़िब नज़र बन जाए और यहाँ ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हो। ख़ासतौर से वज़ू खाने पर हमारा ज़्यादा ज़ोर है, यहाँ का फसाद इन्होंने बताया, यहाँ बात कर ली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है कि जहाँ जहाँ ज़ायरीन का ज़्यादा आना जाना है, जहाँ हमारे ज़ियारत गाह हैं उनको और ज़्यादा जायज़ भी नज़र बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है टूरिज़म डिपार्टमेंट में, इसमें टूरिज़म डिपार्टमेंट इसको आने दिनों में पहल करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो साल तो काफ़ी मुश्किलात के हर मामले में रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो इकदाम 2020 सितंबर से लिए गए उसका फल जो है उसका जो आउटकम जो है वो हमें विंटर्स में देखने को मिला। और हकीकत यह है कि डिस्पेट ऑफ द फैक्ट कि दूसरी पेंडेमिक वेव भी आई, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ओवरऑल और कश्मीर में खास तौर से जिस तरीके से पेंडेमिक को मैनेज किया गया और जो हम सारे लोगों ने दुआ करी कि हमें पेंडेमिक से निजात मिले, खत्म करें इसको, नास्तनाबूद करें, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी तक 3.25 लाख के करीब यहाँ टूरिस्ट आ चुका है और इस सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा 61,000 के करीब यहाँ टूरिस्ट आ चुके हैं और अक्टूबर में मुझे उम्मीद है कि ये तादाद और भी बढ़ जाएगी। और इसके लिए मौसमी खजान में और जो विंटर्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम यही दुआगो हों कि पेंडेमिक जो है वो कंट्रोल में रहे, पेंडेमिक ख़त्म हो। और जैसे पहले आने वाले दिनों में हमने प्लान किया है कि हम जितनी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर फेस्टिवल्स कर रहे हैं और जो हमारे इसी तरीके डेस्टिनेशन हैं जहाँ अभी ज़्यादा जो है पब्लिसिटी नहीं हुई है उनको और भी पब्लिसिटी करने का प्लान है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए वो ज़रूर आए, यहाँ का जो ट्रेडिशन, यहाँ की जो कस्टम्स हैं, यहाँ का जो कुर्जीन है, यहाँ के श्राइनर्स जो है वो ज़रूर यहाँ देखने के लिए आए, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश उनको होगी कि वो